तो ये हमारा परफेक्ट खोया चिकन बनकर तैयार है। खोया चिकन बनाने के लिए यहाँ पर हम 500 ग्राम चिकन लिए हैं। चिकन को अच्छे से धोकर साफ कर लिए हैं। 5 से 6 खड़ा लाल मिर्च ले लिए हैं। 2 बड़े चम्मच लेंगे धनिया। मोटा वाला सौंफ ले लेंगे 1/2 बड़े चम्मच के करीब। 1/4 चम्मच ले लेंगे कलौंजी, जिसे काला जीरा भी बोला जाता है। 1 से 1.5 मिनट के करीब धीमी धीमी आंच में इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये खड़ा मसाला ड्राई रोस्ट हो चुका है, इसका आप दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हम लेंगे 100 ग्राम खोया। और जाएगा 100 ग्राम फ्रेश दही। अब ड्राई रोस्ट किया हुआ मसाले को जो हम पीस लिए हैं उसे ऐड कर देंगे। अच्छे से हम मिला लेंगे। तो 500 ग्राम यहाँ पर चिकन लिए हैं, 100 ग्राम फ्रेश दही और 100 ग्राम खोया अच्छे से मिला लिए हैं। अब इसे हम ढक कर 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे, तो अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। तो लगभग 1.5 घंटे के करीब हो चुका है चिकन को मैरिनेट होते हुए। ओपन करते हैं तो 1.5 घंटे में बहुत ही अच्छे से हमारा यहाँ पर चिकन मैरिनेट हो चुका है। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। कढ़ाई में ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी। अब जाएगा 2 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग और 2 टुकड़ा दालचीनी के। 1 बड़े साइज के प्याज को बारीक काट लिए हैं, इसे ऐड कर देंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट भी प्याज के साथ गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब जाएगा 1 मीडियम साइज के शिमला मिर्च, जिसको चकोर चकोर काट लिए हैं, और 7 से 8 कलियां लहसुन के। शिमला मिर्च को भी 1 मिनट के करीब भून लिए हैं। अब मैरिनेट किया हुआ चिकन को ऐड कर देंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और 10 मिनट तक हम धीमी धीमी आंच में चिकन को भूनेंगे। तो लगभग 10 मिनट हो चुका है दोस्तों चिकन को धीमी धीमी आंच में भूनते हुए, और चिकन बहुत ही अच्छे से यहाँ पर भूनकर तैयार है। तो अब इसमें जाएगा पानी, तो यहाँ पर हम गुनगुन पानी 1/2 लीटर के करीब ऐड करेंगे। और स्वाद अनुसार जाएगा नमक। अब आंच को मीडियम कर लेंगे और ढककर हम 5 से 7 मिनट के करीब कुक करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुका है चिकन को ढककर कुक करते हुए। हम बीच में 1 से 2 बार चला दिए थे, अब इसको ओपन करते हैं। वाओ, ग्रेवी में एकदम गाढ़ापन आ चुका है दोस्तों, बेहतरीन। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, तो ये हमारा परफेक्ट खोया चिकन बनकर तैयार है। तो यह स्पेशल खोया चिकन की रेसिपी को दोस्तों बनाइए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए, नान रोटी के साथ, प्लेन रोटी के साथ, वेज पुलाव के साथ, जीरा राइस के साथ। बहुत ही अमेजिंग स्वाद आता है दोस्तों, इतना बढ़िया स्वाद आएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा।
आप इस खोया चिकन की रेसिपी को दोस्तों जिन्हें भी बनाकर खिलाएंगे वो भर भर के आपकी तारीफ करेंगे। तो है ना बेहतरीन लाजवाब।